हेलो एवरीवन, सो वही टुडे वी आर हियर विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी सॉल्यूशन चैप्टर की सेकंड हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग में पढ़ ली है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड हेडिंग दैट इज एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बहुत सारी आपकी हेडिंग है वो हमें डिस्कस करनी है, तो मैं यहां एक बार हेडिंग लिख लेता हूं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और जो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ये हमारी बहुत तरह की है, मतलब बहुत सारी हमें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं मैं वन बाय वन सारी लिख देता हूं, उसके बाद फिर मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां स्ट्रेंथ, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट आपको फिर भी ध्यान रखनी है। दूसरा मैं लिख रहा हूं मास बाय मास परसेंट, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, मास बाय मास। आपकी बुक में डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मिलेगा, मैं यहां मास बाय मास को एम बाय एम लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं वी बाय वी, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट लिख देता हूं मैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूं आपका मोल फ्रैक्शन, इसके बाद मैं लिख देता हूं ये मोल फ्रैक्शन की बजाय आज मैं केवल ये चीज डिस्कस करूंगा, बाकी जो रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। आज आप लिख लीजिए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ध्यान देना ये रिटी है ये लिटी है, यहां मोलर यूज करना है यहां मोलल यूज करना है, ठीक है। तो आज मैं केवल ये डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी बहुत सारी है। जैसे कौन कौन सी रह गई आपकी, आपकी रह गई पीपीएम रह गई, पीपीएम के अलावा अभी भी मैंने लिखी थी मोल फ्रैक्शन रह गई, मोल फ्रैक्शन के अलावा मास फ्रैक्शन रह गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी नॉर्मेलिटी रह गई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। तो हमारे पास कितनी आज हमें कितनी डिस्कस करनी है, 1 2 3 4 5 6 आज डिस्कस कर दूंगा, और ये चार मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि नॉर्मेलिटी को समझना, क्योंकि नॉर्मेलिटी के अंदर बहुत सारे सब फॉर्मूला जाते हैं, तो उनको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए इनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ, उसके बाद मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, मैंने आपको एक ग्लास में पानी दिया और उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है, मुझे पता है कितनी शुगर मैंने ऐड की, आपको मैंने नहीं बताया। और मैं आपसे ये पूछूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर आप मुझे ये बताइए कि मैंने कितनी शुगर ऐड की है, भाई शुगर मैंने ऐड की है, मैं पूछ आपसे रहा हूं, तो वो आप उसकी क्या निकालोगे, आप उसकी निकालोगे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आपके पास जो टाइट्रेशन के या ये कह दीजिए आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है आप उनसे निकालोगे, बट अगर आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए कोई फॉर्मूला पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब एक लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट डिजोल्व हुआ है, दैट इज इट्स स्ट्रेंथ। मैंने यही आपको बताया, मैंने आपको एक गिलास पानी दिया था, उसके अंदर मैंने आपसे क्या पूछा है कि मुझे ये बताइए कि स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई मैंने इसके अंदर 5 ग्राम शुगर ऐड की है, तो क्या आप उसे स्ट्रेंथ निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो 5 ग्राम ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे, उस वॉटर का वॉल्यूम या उस सोल्यूशन का वॉल्यूम, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन होता है किसी सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन होता है और वो आपसे पूछता है उसकी स्ट्रेंथ। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो है वो है 50, कितना है 50, और वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ बताइए कितनी होगी। अगर मास बाय वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन की आपको गिवन है, जैसे यहां देखे हमने 50, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, और वो क्या है, स्ट्रेंथ का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम के लिए, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट इनटू 10, मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए और कुछ नहीं करना। सो दैट इज अबाउट द
स्ट्रेंथ फॉर्मूला। दोबारा सुने, स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितना अमाउंट आपने डिसॉल्व किया है किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या लिया है, एक ग्लास। मैं एक लीटर भी ले सकता हूं, मैं 500 ml भी ले सकता हूं, मैं 200 ml भी ले सकता हूं, मैं 100 ml भी ले सकता हूं। डिपेंड मुझ पे करता है कि मैंने किसने के अंदर आपसे पूछा है। बट मैं आपको ये साथ साथ बता रहा हूं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके कर लेता हूं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कहा व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ NaCl व्हेन इट इज या व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वॉटर। तो निकाल लोगे आप। उसने कहा कि 500 ml वॉटर के अंदर 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुई है, तो आपको उसे क्या बतानी है, स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, मतलब यह कह लीजिए कि सोल्यूट का मास इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। आपको किसमें दिया है, 500 ml में दिया है। अगर आप इसका लीटर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या कर लोगे, क्या 0.500 लीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऊपर क्या रखोगे, नीचे कितना डेसिमल है, 3, तो ऊपर 3 जीरो आ जाएंगी, तो क्या बचेगा, क्या ये 500 से 5 है, तो क्या 10 आ गया, मतलब स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 10 आ जाएगी। स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 10। यूनिट क्या लगेगी, यूनिट आप लगा लोगे, यहां क्या था ग्राम, यहां क्या था लीटर, तो क्या स्ट्रेंथ आ जाएगी, 10 ग्राम पर लीटर। 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व है एक लीटर के अंदर। और होगा भी, क्यों नहीं होगा भाई, जब मैंने 500 ml में 5 ग्राम डिसॉल्व की है तो फिर 1000 ml में कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, बट अगर आपको डेसिमल में दे दे, कैसे भी दे दे वो आपको, तो आपको ये फॉर्मूला अपना यूज करके क्या निकालना है, उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी आपकी स्ट्रेंथ। अभी दूसरा क्या आपके पास, मास बाय मास परसेंट। ध्यान देना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। ठीक है, मास बाय मास परसेंट में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एम बाय एम परसेंट क्या होगा। मैंने आपको दो चीज लिखी है, ऊपर भी एम लिखा है, नीचे भी एम लिखा है। तो आप पहले लिख लीजिए, ऊपर भी क्या लिख लीजिए, मास, नीचे भी क्या लिख लीजिए, मास, एम बाय एम है ना। और मल्टीप्लाई में क्या है, 100, और मैं यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिर्फ क्या चेक करना है आपको, आपको चेक ये करना है कि जो ऊपर मास है वो किसका है, जो नीचे मास है वो किसका है, बात खत्म। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेंथ में हमने ऊपर क्या रखा था, सोल्यूट रखा था कि सोलवेंट रखा था, सोल्यूट रखा था, नीचे क्या रखा था, सोलवेंट या सोल्यूशन रखा था। तो यहां पर भी ये करना, मास ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, ये भी किसमें लेना है, ग्राम में। ध्यान देना, दोनों ही चीजें किसमें लेनी है, ग्राम में। और यहां सोल्यूशन ले लेंगे सोलवेंट की बजाय, क्योंकि आपने सोल्यूशन बना लिया, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मास बाय मास परसेंट। देखिए, स्टेटमेंट आप अपनी बना सकते हैं अगर फॉर्मूला समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मूला इसके लिए है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 10% ग्लूकोज डिसोल्ड, मतलब मैंने क्या किया, 10 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व की है वॉटर के अंदर, 10 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व इन वॉटर। अब मैं आपसे पूछूं इस बात का क्या मतलब है, 10% और 10% किसका, मास में मास परसेंट की बात कर रहे हैं ये, कि उसने कहा कि 10% ग्लूकोज डिसोल्व इन वॉटर। ग्लूकोज पता है क्या होगा, सोल्यूट, वॉटर पता होगा क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब बिल्कुल सिंपल है, उसने क्या कहा कि 10% ग्लूकोज है और परसेंट लगा रखा है, इसका मतलब कर दूं कि 10/100, क्या कर सकता हूं मैं, 10% का मतलब क्या है, 10/100। अब 10/100 ऊपर क्या रखा है, मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आ गया ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ध्यान देना मैं क्या लिखना चाह रहा हूं भाई, ऊपर क्या रहेगा, सोल्यूट का मास। उसने कहा कि 10% ग्लूकोज डिसॉल्व इन वॉटर, इस बात का क्या मतलब है, इससे क्या समझते हो, इससे हम ये समझते हैं कि जो 10 ग्राम ग्लूकोज है वो डिसॉल्व है 100%, मतलब 10% मतलब क्या है 100, मतलब नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा 100। बट ध्यान रखना, नीचे क्या था हमारे पास,
सॉल्यूशन, तो ये रहेगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। बट अगर मैं, मुझे सॉल्यूशन नहीं दिया गया, मुझे क्या दिया गया है, वॉटर दिया गया है, तो मैं क्या वॉटर निकालूंगा, कितना रहेगा उसके अंदर वॉटर, वॉटर इसके अंदर रहेगा 90 ग्राम। तो 10 प्लस 90 तब जाके कितना हो जाएगा ये 100, मतलब 10 ग्राम क्या रहेगी ग्लूकोज और 90 ग्राम क्या रहेगा उसके अंदर वॉटर। तो 10 प्लस 90 बना के क्या बन जाएगा ये सॉल्यूशन बन जाएगा 100%। बात समझ आ गई होगी। तो मास परसेंट के लिए फॉर्मूला याद रखिए, मतलब आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल्स निकालना, उनकी स्टेटमेंट बनाना, उनकी डेफिनेशन बनाना बड़ा ही इजी हो जाएगा, ठीक है। सो मास बाय मास परसेंट का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। एक स्टेटमेंट में बताया कि 10% ग्लूकोज डिजोल्व इन वॉटर का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि 10 ग्राम तो वहां क्या है ग्लूकोज और 90 ग्राम क्या है वहां वॉटर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बिल्कुल सेम, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सेम रहेगी किसके जैसी, जैसे मास बाय मास थी, बस फर्क इतना कितना रहेगा, वहां मैंने ऊपर भी मास रखा था, नीचे भी मास रखा था, यहां क्या रखूंगा, ऊपर भी क्या रखो वॉल्यूम, नीचे भी क्या रखो वॉल्यूम, मल्टीप्लाई में क्या रखो 100, बट ऊपर वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बात खत्म। मतलब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, बट ध्यान रखना ऊपर वॉल्यूम किसका सोल्यूट का, नीचे वॉल्यूम किसका सोल्यूशन का, ठीक है। अभी मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि 10% ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वॉटर, अब इस बात का क्या मतलब है, वहां मैंने क्या रखा था ग्लूकोज, यहां मैं क्या रख रहा हूं इथेनॉल, क्यों, क्योंकि इथेनॉल भी क्या होता है लिक्विड और वॉटर भी क्या होता है लिक्विड, वहां ग्लूकोज क्या होता है सॉलिड, और वॉटर भी किसमें लिया था हमने वहां मास में लिया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ml क्या लिया इथेनॉल और प्लस में 90 ml क्या लिया हमने वॉटर, तब जाके कितना बन जाएगा आपका 100 ml सोल्यूशन बन जाएगा, बन जाएगा 10% ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वॉटर का मतलब क्या है 10 ml इथेनॉल है उसके अंदर और 90 ml क्या है उसके अंदर वॉटर, क्या बन गया होगा 100 ml सोल्यूशन बन गया होगा, किसका सोल्यूशन, दारू में पानी, दारू में पानी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इथेनॉल क्या होती है वाइन प्लस वॉटर मिलाया आपने कितना 90, तो एक अच्छा पटियाला पैक बन गया, ठीक है। तो यही चीज है कि 100 ml क्या बन जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम बाय सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंट, बिल्कुल सेम चलेगा, ऊपर क्या करना है बस मास करना है। तो फिर यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका मास, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट किसमें ग्राम में, नीचे क्या रहेगा वॉल्यूम ही रहेगा क्योंकि मास ऊपर है नीचे क्या है वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अब उसके लिए फिर यहां भी चेंज कर देंगे हम, यहां पे हमारे पास चेंज रहेगा, जैसे मैं कहूं कि 10% ऑफ NaCl डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ वॉटर, वॉल्यूम ऑफ वॉटर ले सकते हैं या वॉटर ले सकते हैं, वो आपको समझना है कि वो किसने परसेंटेज कौन सी दी है, उसने ये परसेंटेज कौन सी दी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर दी है तो उसके अकॉर्डिंग आप पता कर लोगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्या होती है, तो ये मैंने डिस्कस कर दी है अभी आपके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर सी हैं, बस बच्चे एक जगह गड़बड़ कर जाते हैं मोलैलिटी, ठीक है। तो मैं इनको रोक देता हूं यहां से, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, देखिए मोलैरिटी को मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं और यहां मैं इसको भी संधि विच्छेद कर रहा हूं, और ये संधि विच्छेद मैं ऊपर ले लेता हूं क्योंकि नीचे में जगह ज्यादा चाहिए, तो लिख दूं मोलर प्लस सीटी, यहां भी लिख दूं मोलल प्लस सीटी, मतलब सीटी के अंदर मोलल घूम रहे हैं और सीटी के अंदर मोलर घूम रहे हैं, मोलर का मतलब वन मोल, यहां मोलल का मतलब वन मोलल है, ध्यान देना मोलल में और मोलर में बहुत गहरा डिफरेंस होता है, और वो क्या, तो वही बताना मुझे।
मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले मोलैरिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एम से करते हैं और मोलैलिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल एम से करते हैं। तो कैपिटल एम लिख लेता हूं यहां, मोलैरिटी क्या होती है, ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइड में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, और नीचे मैंने क्या लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बता दूं मैंने नीचे क्या लिखा है, सॉल्यूशन, इस चीज पे ध्यान देना, यहां मैंने क्या लिखा है यहां सॉल्यूशन और किस में लिखा है लीटर में, बस यहीं पे डिफरेंस है, वहां और बगैर कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है देखिए, डिनोटेड बाय स्मॉल एम क्या बनता है, ये बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना यहां क्या आ गया, सोलवेंट, यहां क्या था सॉल्यूशन और सोलवेंट इन किस में, किलोग्राम में, यहां किस में था, यहां किलोग्राम में आ गया, यहां किस में था लीटर में, बस ये डिफरेंस है। और बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, बच्चे वहां भी क्या ले लेते हैं सॉल्यूशन इन किलोग्राम, सॉल्यूशन इन किलोग्राम, बट एक्चुअल में वहां सॉल्यूशन नहीं लेना होता, वहां क्या लेना होता है सोलवेंट इन किलोग्राम। ध्यान देना इस चीज पे, नीचे क्या आएगा सोलवेंट इन किलोग्राम, यहां क्या आएगा सोल्यूशन इन लीटर आएगा। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट, या ये कह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करोगे, मोलैलिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन केजी, केजी मतलब किलोग्राम। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वहां वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट था, यहां वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वहां क्या था इन किलोग्राम। बात समझ आ रही होगी, सो दैट इज मोलैरिटी एंड दैट इज मोलैलिटी, फर्क है मोलल मोलर, मोलर की बात आएगी तो वहां हम क्या लेंगे, वहां हम लेंगे सोलवेंट इन केजी, मोलर की बात आएगी तो वहां हम क्या लेंगे सोलवेंट सॉल्यूशन इन लीटर, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है दोनों डेफिनेशंस के अंदर, ठीक है। सो ये आज मैंने बताई आपको एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है आज, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन कौन सी आपको कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाई आपको स्ट्रेंथ, दूसरा मैंने आपको क्या बताया मास बाय मास परसेंट, तीसरा मैंने बताया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, नेक्स्ट मैंने बताया मास बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर मैंने बताया मोलैरिटी, फिर मैंने बताया मोलैलिटी, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां मैंने क्या बताया ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यहां ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो यहां क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यहां क्या है मास बाय वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है पीछे परसेंटेज। नेक्स्ट क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी है तो सोल्यूशन होगा और किस में होगा इन लीटर, ये क्या है मोलैलिटी, तो यहां क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ
सोलवेंट इन केजी, केजी मतलब किलोग्राम. सो दैट इज अबाउट द एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. तो ये एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूशन की हमने पढ़ी है. आज मैंने आपको केवल ये बताई है कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. जो बाकी बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और वो जो है वो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनता है, नॉर्मलिटी से स्पेशली. तो ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.